क्रिसमस कैरल क्रिसमस शो 2020 में सीमा आसिफ और मेरी सारी टीम की जानिब से तमाम नाजरीन को बहुत बहुत खुशामदीद और मेरी क्रिसमस। नाजरीन, ये क्रिसमस कुछ डिफरेंट है और कुछ डिफिकल्ट भी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने इस पूरे साल में बहुत बीमारी, बहुत मायूसी, बहुत दुख, बहुत तबाही, इकोनॉमिक क्रंचेस देखे हम लोगों ने, हम लोगों ने फाइनेंशियल प्रेशर्स देखे, हम लोगों ने बिजनेसेस को डूबते देखा, हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग देखी। और इन्हीं सारे हालात के बीच में होते होते साल के इख्तिताम पे आके अब वो वक्त है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें। और उसी में हमारे पास एक उम्मीद भी इन सारी सिचुएशंस में हमने इस तरह से देखी है कि शायद ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही थी कि हमें एक दूसरे के साथ मिलके बैठने का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन इस सारी जो नेगेटिविटी को हम या बीमारी को या इस पेंडेमिक की वजह से, एक ब्लेसिंग ये ज़रूर रही है कि हमें मौका मिला कि हम अपने प्यारों के साथ, हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि हमारे प्लेनेट की भी हीलिंग हुई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि शायद वो अज़ीज़, वो रिश्तेदार, वो दोस्त जिनसे शायद हमारी महीनों महीनों या शायद सालों कोई बात नहीं हुई थी, हमें वो सब याद आए। हमने उनको फ़ोन किए, हमने वीडियो कॉल्स की, हमने उनके हाल चाल भी पूछे। तो बेशक चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बात हो, हर बात में हमें खुदावंद का शुक्र करते रहना चाहिए। और इन सारी सिचुएशन में एक हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुजार हैं जो ये सारी एडवांसमेंट हुई है कम्युनिकेशन में और सारी जो टेक्नोलॉजी में हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं और एडवांसमेंट देखते हैं, उसी की बदौलत आज सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी और जब हम आइसोलेटेड हैं अपने घरों में उसके बावजूद भी हम इस काबिल हैं कि हम आपके साथ मिलके क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ये क्रिसमस की सेलिब्रेशन मेरा ख्याल है कि बहुत ख़ास है, क्योंकि हम इसमें ख़ास तौर पर खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें ज़िंदगी दी है, उसने हमें ये मौका दिया और ये साल और ये क्रिसमस एक दफ़ा फिर दिया कि हम अपने प्यारों के साथ मिलके सेलिब्रेट कर सकें। जैसा कि आपने देखा और मैंने आपको भी बताया कि हमारे इस क्रिसमस शो का नाम ही फैमिली क्रिसमस कैरल है। कैरल्स हमारी सेलिब्रेशंस का, हमारे क्रिसमस का एक बहुत ख़ास हिस्सा है। शायद इस साल में जिस तरह हम यूजुअली हमेशा सेलिब्रेट करते हैं कि फर्स्ट दिसंबर से ही क्रिसमस की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती थी, हम घरों को सजाते, हमारा आना जाना और कैरल्स का गाया जाना और चर्चेज में प्लेज होना, टेबलोज होना, फंक्शंस होना, शायद उस तरह से उतनी गहमा गहमी नहीं हो रही है और शायद इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन हम अपने घरों में बैठे और हम इस शो की वसातत से आपके लिए बहुत से कैरल्स लेके आए हैं। इस शो में हम आपको मिलवाएंगे अपने बहुत से टैलेंटेड आर्टिस्ट से, क्रिश्चियन आर्टिस्ट से, जो बहुत खूबसूरत गाते हैं और क्रिसमस की रौनक को दुबाला करेंगे कैरल्स गाते हुए। साथ ही साथ फैमिली थीम होने की वजह से हम आपको मिलवाएंगे एक बहुत ही ख़ास फैमिली से। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक। और इंट्रो पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान इस फर्स्ट सेगमेंट में शामिल प्रोग्राम हैं, जो जिनके साथ बहुत मज़े मज़े की बातचीत होगी और हम अपने गेस्ट के साथ मिलके, आपके साथ मिलके अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ फर्स्ट सेगमेंट में शामिल हैं शेफ़ राहील, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत ही खुदा ने उनको बरकत दी है और बहुत जगहों पे वो काम कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे आज के दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर आकिल, वर्शिपर हैं और इसके साथ साथ ये टीम मैनेजर हैं मीका क्रिकेट क्लब के और एसोसिएटेड हैं जनरेशन वर्शिप सेंटर के साथ। आप दोनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस और प्रोग्राम पे शुभकामनाएं। थैंक यू राहील, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। बात यह कि जब क्रिसमस की सेलिब्रेशन होती है तो जहाँ कैरल्स का बहुत जिक्र होता है, वहीं मज़े मज़े के खाने का भी एक अपनी जगह है और अपना रोल है। तो आप हमें पहले ये बताएं कि आपकी बतौर शेफ़ क्या मसरूफियात हैं आजकल।
थैंक यू वंस अगेन, एक बार फिर आप सबको, आपको भी बहुत बहुत मेरी क्रिसमस। बीइंग अ शेफ, आजकल आई एम वर्किंग फॉर जेरीज इंटरनेशनल ग्रुप, हम सब वाकिफ हैं उससे जी। और उसमें मैं जैसे कॉर्पोरेट शेफ काम कर रहा हूँ। इसके अलावा कौथम एक इंस्टीट्यूट है कराची के अंदर, वो फेमस, वहाँ पे फैकल्टी मेंबर हूँ, टीचिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ। और एक अभी रिसेंटली एक रेस्टोरेंट हमने ओपन करवाया है वर्किंग विद जेरीज, तो वहाँ पर ये मसरूफियात हैं। इसके अलावा अपना काम भी चल रहा है, एज ए कंसल्टेंट में काम करूँ कलनरी एक्सपोर्ट के अंदर। ये एक मेरा अपना एक ब्रांड है, मैंने इसको एक लॉन्च किया है। तो बेसिकली मेरा काम उसके अंदर ये है कि मैं कंसल्ट करता हूँ उन इन्वेस्टर्स को या उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर, या कोई डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं अपनी खानों के अंदर रेसिपीज को लेके। साथ ही साथ ये ऐड मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि मैं साथ ही अपनी एक अपनी जो कम्युनिटी है, क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं बहुत सारी जॉब्स को लेकर, तो मैं उनको भी उनके साथ एक 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 हेल्प आउट करता हूँ कि उनको वहाँ पर प्लेसमेंट करवाऊँ जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट्स की ज़रूरत होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताइए राही कि ये क्रिसमस किस तरह से डिफरेंट है, या आपको लगता है कि पहले की जैसा? डिफरेंट इन द सेंस, ऑब्वियसली वी आर फेसिंग पेंडेमिक COVID-19 की वजह से, लेकिन जिस तरह आपने कहा, और मेरा ख्याल ये भी है कि पहले हम क्रिसमस में मसरूफ़ हो के, ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है, तो जो पब्लिक हॉलीडे होती है, हॉलीडेज होती हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा बिजी होते हैं। तो लेकिन अब क्योंकि काम का लोड थोड़ा सा कम हुआ है, तो अब प्रीवियसली भी काफ़ी अरसा पहले जो है, मतलब 3-4-6 महीने पीछे चले गए तो रेस्टोरेंट्स बंद रहे 2-3 महीना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला फैमिली के साथ जो है वो टाइम गुजारने में। तो ये मेरा ख्याल इस क्रिसमस पे ये होगा कि हम बाकी चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकेंगे। और मेरे ख्याल से बीइंग अ शेफ या एज अ कुक या जो लोग भी घर के अंदर कुकिंग करते हैं, वो कुकिंग करके बेकिंग करके जो है वो टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम आएंगे और आपसे इसी के बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। और अब मैं चलूंगी आकिल की तरफ। आकिल, आपके बारे में अभी हमने नाजीन को बताया कि आप वर्शिपर भी हैं और आप टीम मैनेजर हैं मीका क्रिकेट क्लब के, और साथ साथ आप एसोसिएटेड हैं जनरेशन वर्शिप सेंटर के साथ भी। तो मुझे ये बताइए कि बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि जब आप परस्तार हैं, आप गीत गाते हैं, सितायश करते हैं, तो उसके लिए रियाजत चाहिए। जी, आप सिर्फ ये नहीं है कि आप गीत गा लेंगे, आपको उस रूम में भी रहना है, आपने गीतों को समझना है उस स्पिरिट के साथ और रियाजत के बगैर नहीं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपना क्रिकेट क्लब भी, अपना जो आपका जनरेशन वर्शिप सेंटर है उसको, उसके साथ भी आप एसोसिएटेड हैं और वर्शिपिंग में भी हैं, तो कैसे चलाते हैं? हम चूँकि हमारी ट्रेनिंग का ये चीज़ें हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा रहती हैं कि आपको अपने अंडर एक टीम बिल्डिंग करनी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं माइका क्रिकेट क्लब को लीड कर रहा हूँ एज ए मैनेजर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सेकंड लाइन लीडरशिप भी तैयार करनी है। तो मेरे पास वहाँ पर टीम में हेड कोच हैं, फिर उसके बाद टीम के दो मजीद कोच हैं जो टीम को लीड करते हैं, और मेरा काम बेसिकली होता है कि अपने डायरेक्टर्स के साथ बैठकर मीटिंग्स करना और टीम को एडवाइस करना, और उनके जो फंड्स हैं और जितने भी उनके अदर मामलात हैं उनको देखना। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं कि वो ग्राउंड पर जाके क्रिकेट को कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन सम टाइम्स वी गो इवन, जैसे कि क्रिकेट में है बिल्कुल वैसा ही हमने जनरेशन वर्शिप सेंटर में भी एक ख़ास टीम बिल्ड की है। तो जैसे बिशप मुश्ताक जो हैं वो जनरेशन वर्शिप सेंटर को लीड करते हैं, तो उनके बाद मैं एसोसिएट हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने नीचे टीम डेवलप करना। तो मेरा काम बिशप साहब से एडवाइजेज लेना या उनके साथ मीटिंग्स करना, और बाकी टीम्स को जो है ये डेलीगेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वो इन तमाम चीज़ों को करें जो कि काम को आसान बना देती हैं एक सिंगल पर्सन के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि जब हमने म्यूचुअल टारगेट्स को अचीव करना है और हमारे जो गोल्स हैं वो उसको वन पर्सन ने तो अचीव नहीं करना, तो टीम वर्क जितना इफेक्टिव होता है उतना इजीली हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एक स्किल है जिसको आप बिल्ड कर रहे हैं और जिसकी मेरा ख्याल है हमारी यूथ को बड़ी ज़रूरत भी है, और वो अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अपने प्रोफेशनल लाइफ पे जहाँ पे भी कहीं हों, और ये बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका। नाज़रीन, बिल्कुल हम बोरिंग बातें नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम अपने इस क्रिसमस की सेलिब्रेशन को, क्रिसमस के इस शो को कतन सीरियस बातें करके हम सीरियस मोड पे नहीं रखेंगे। इसलिए अब हम फौरन से शेफ़ राहील की तरफ और आकिल की तरफ चलेंगे, और
राहील के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये खाना तो बेहतरीन बनाते ही बनाते हैं, शेफ तो हैं, कुकिंग एक्सपर्ट तो हैं, लेकिन जब ये चम्मच चलाते हैं खाने में तो वो भी बहुत सुर और ताल के साथ चलाते हैं और खाने में तड़का लगाते हैं अपनी सिंगिंग से। तो इसलिए हमने ये सोचा कि आकिल भी बहुत अच्छा गाते हैं, राहील भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना एक इन दोनों के बीच में अंताक्षरी कराई जाए और फिर देखते हैं कि कौन उसको विन करेगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आई एम श्योर कि उसको एंजॉय करेंगे। यस डेफिनेटली। मैं रूल्स बताती जाऊं यहाँ पे अंताक्षरी के कि आप गीत गा सकते हैं कोई भी जबूर कैरल कोई भी रिलीजियस आप हिम गा सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आकिल से, जो भी जिस वर्ड पे ये ख़त्म करेंगे उसका जो फर्स्ट हरूफ तहजी होगा उससे स्टार्ट किया जाएगा अगला सॉन्ग, जो अल्फाबेट होगा। हाँ जी जी, जी, जी। और हाँ जी और 10 सेकंड्स का टाइम होगा, 10 सेकंड्स का टाइम होगा। जैसे ही 10 सेकंड्स होंगे तो हमें हमारी टीम इंडिकेट कर देगी कि टाइम अप हो गया और हम मूव ऑन करेंगे। एक्साइटिंग, पहली दफा ट्राई करने लगे, आसान गीत मेरा भी शायद फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा गीतों की अंताक्षरी। तो ये है कि कोई सवाल आपने पूछना, कोई बात पूछनी? क्लियर, गुड, यस। सो गुड लक टू बोथ ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आकिल। आकिल आप अलिफ से शुरू करें। असी रब दे बंदे आ रब सानू प्यार करदाई, असी रब दे बंदे आ रब सानू प्यार करदाई, असी रुल दे फिर दे सा, असी रुल दे फिर दे सा, ते हुण सानू यीशु मिलिया ए, असी रब दे बंदे आ रब सानू प्यार करदाई। करदा हे ए मींस ए या अलिफ? अलिफ अलिफ। एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, सब जो जमीन ते ओ गावन लई आओ, सब जो जमीन ते ओ गावन लई आओ, आओ एक नवा गीत, आओ एक नवा गीत गाफ गाफ से गीत ते गीत पहला ओके पहला वर्ड पहला वर्ड फाइन फाइन ठीक है। गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। क्या बात है, सना से सी से पे हम मार्जिन दे देते हैं सीन का भी। चल सारे लोको साडे रब नु धन धना के गा, सारे लोको साडे रब नु धन धना के गा। गाव से गीत तेरे नया दे मैं गावा रब सना रहमत तेरे दी सुनावा रब, गीत तेरे नया दे मैं गावा रब सना रहमत तेरे दी सुनावा रब। नाजरीन कंपटीशन बड़ा जबरदस्त चल रहा है, अंताक्षरी बहुत जबरदस्त चल रही है और दोनों ही लूज करते नहीं दिख रहे, तो इसके साथ हम चल रहे हैं शेफ राहील की तरफ। रे से क्या रे? रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब खुदावंद बादशाह है, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो,
दारो दारो ताल। नाजीन मुझे लगता है कि ये तो शायद नेवर एंडिंग कंपटीशन हो जाए, इसलिए हम ये आखिरी राउंड कर रहे हैं। जी दाल से, दाल से। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, थी आरज़ू ये मेरी, थी आरज़ू ये मेरी, कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। नाज़रीन इसके साथ ही हम अपने आज के अंताक्षरी के आखिरी गीत की तरफ जा रहे हैं। वर्ड क्या था सॉरी? मीम। मनाऊं। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी ओना दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। जबरदस्त नाज़रीन, मेरे साथ मिलके इन दोनों नौजवानों के लिए भरपूर तालियां। राहिल भाई के लिए आपने हमें मुश्किल में डाल दिया कि अब हम किसको विनर दें। मेरे ख्याल से जितने लोग गीत या ज़बूर गाते हैं सुनते हैं, कोई भी नहीं हार सकता, क्योंकि वर्शिप इंसान के अंदर है, खादिम के अंदर, वर्शिपर के अंदर है, तो कोई ऐसा गीत या ज़बूर नहीं होता जो जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, और हमने इंजॉय भी उसको उतना ही किया। हमने भी इंजॉय किया, बरकत पाई है खुद भी। बिल्कुल। अच्छा आखिर ये बताइए कि आपने कभी कुकिंग वगैरह की कुछ, कोई है शौक? शाजो नादिर ये कभी मिसेज जाने नहीं देती हैं। लगता है स्विच करते होंगे ज़्यादा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिहाज से कुछ चीज़ें हमने डिवाइड की हुई हैं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां हैं 3-4, तो उन कामों में जब इतना ज़्यादा इंसान इन्वॉल्व रहता है तो किचन में जाने की कुछ इस तरह की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सपोर्ट नहीं की गई। अच्छा क्या आपका क्या तरीकाकार था? मतलब अक्सर हमने देखा है कि क्रिसमस पे लोग कई दफ़ा ये होता है कि अपने जो जो किसी दूसरे शहर में या गांव में या अपने कोई ख़ास रिश्तेदारों के पास जाके क्रिसमस सेलिब्रेट करते थे, इस साल तो चूंकि वैसा नहीं हो पा रहा, या ये होता है कि कोई ख़ास आपके अजीज़ रिश्तेदार आपके साथ आके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते थे, आपके यहाँ कुछ ऐसा होता था? यस बिल्कुल ऐसा ही था, जैसे हर फैमिली में होता है कि रिलेटिव्स एक दूसरे की तरफ आते हैं। क्रिसमस बेसिकली खुशियाँ बांटने का नाम है और एक दूसरे मिलने मिलाने का नाम है। अगर रिश्ते टूटे हुए हैं, रिलेशंस में कोई नाराज़गी चल रही है, तो क्रिसमस ऐसा सीज़न होता है कि एक दूसरे से मिलने जाते हैं और वो जो रिश्ता टूटा होता है वो बहाल होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान का और खुदा का रिश्ता बहाल कर दिया, बिल्कुल वैसे ही क्रिसमस जो है हम इंसानों के रिश्ते को भी बहाल करता है। नाज़रीन ये एक बड़ा खूबसूरत मैसेज भी है हमारे लिए कि अगर कहीं पर कोई नाराज़गी है भी, और अगर क्योंकि इंसान होते हुए कभी हमसे कोई नाराज़ हो सकता है, किसी को हम भी नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वो वक्त है जिस पे हम सोच सकते हैं कि हम अपनों को माफ़ करें, दरगुजर करें और दूरियों को मिटा के प्यार मोहब्बत के साथ रहें और प्यार मोहब्बत को बांटें। जी राहिल, इसके साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी फेवरेट खाने की डिश क्या है? वैसे मुझे शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मुझे दाल बहुत पसंद है। मैं अभी रिसेंटली कुछ 3 महीने के लिए मुल्क से बाहर था, तो मैं यही करता था कि दाल बना लेता था और 3-4 दिन तक फ्रिज में रख के वो यूज़ करता था, तो दाल इज माय फेवरेट। अच्छा जबरदस्त। क्रिसमस पे क्या खाना पसंद है? क्रिसमस पे डिफरेंट चीज़ें करते हैं, मतलब बेकिंग ओवन भी है घर पे, अगर ओवन नहीं तो एक स्लो कुक बीफ होता है, रोस्ट बीफ कहते हैं उसको, वो कर लेते हैं, बेकिंग कर लेते हैं, कुछ केक वगैरह, बिरयानी ऑब्वियसली कराची वालों के लिए बिरयानी इज मस्ट, शादी हो ओकेजन हो तो बिरयानी के बगैर पार्टी अधूरी होती है। थैंक यू राहिल। मैं आखिर आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कोई क्रिसमस का ऐसा खुशगवार वाकया जो याद करके आपको भी हंसी आती है? यस वाकया एक बड़ा खूबसूरत है, मैं स्पेशली इस बात को कहूँगा कि जब भी कभी कोई प्रोग्राम हो
तो प्रोग्राम के जब पंफलेट लगाने आप जाएं, जैसे बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मैं जब यंग, बहुत ज़्यादा यंग थे, यानी 16-17 ईयर्स की एज में, तो हमें भी शौक था चर्च में जिम्मेदारी देने की, क्रिसमस का प्रोग्राम है, ये कंपटीशन है, फलां प्रोग्राम है, तो इसकी पंफलेट्स आप दीवारों पर ना चिपका कर आए। मैंने भी काफ़ी सारे पंफलेट्स पकड़े दोस्तों के साथ बड़े एक्साइटमेंट में, और वो एक बड़ा अच्छा फील होता है कि आप जाते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, क्योंकि जैसे क्रिसमस के सीज़न पे होता है दिसंबर में, तो उसकी एक फील ही अलग होता है। तो जब आप 17 में होते हैं तो और ज़्यादा एक जज्बा भी होता है। तो मैंने पंफलेट पकड़ा, उसको वो पेस्ट लगाया, तो मुझे नहीं पता था कि नीचे मेन हॉल खुला हुआ है, तो जैसे ही दीवार पर पंफलेट लगाया, पंफलेट तो ना लगा, मैं पूरा का पूरा मेन हॉल में तो वो वाकई याद करते हैं, तो अभी मुझे ऐसे अपनी ना टांगों पर एक सनसनाहट सी फील होती है आपको कि शायद ऐसे गंदगी में पूरा पहुंच गया था। तो ये वाकई एक अनफॉरगेटेबल है इन माय लाइफ, तो बस मेमोरी बन गया है। जी थैंक यू सो मच, आपने अपनी एक मेमोरी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। और हमारी जिंदगी मजमुआ है ऐसे बहुत सारे वाकयात का, जिसमें बहुत खुशी के वाकयात भी होते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जो हमें दुखी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करते रहना चाहिए ऐसे वाकयात पे, ऐसी मेमोरीज पे जिसको याद करके हम मुस्कुरा सकें। और थैंक यू सो मच, आप हमारे चेहरे पे भी और हमारे व्यूअर्स के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लेकर आए हैं। और इसी के साथ मैं चलूँगी इस सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ, और शेफ राहील मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को आज क्रिसमस का कोई खूबसूरत सा मैसेज दें। थैंक यू वेरी मच, आपने एक बार फिर मेरे को याद है, मेरे ख्याल मैं 2 साल पहले आया था, हम जी, शो जी, में जी, थे जी। और हमेशा से एक बड़ी एक्साइटमेंट रहती है सारी टीम के लिए, जितने लोग इस टीम में हिस्सा हैं। मैसेज यही है कि ऑल्दो हम बहुत कुछ फेस हमने किया है इस साल के अंदर, लेकिन हमारा ईमान और हमारा भरोसा जो है वो वैसे ही मजबूत है जैसा अच्छे हालात में था। आई बिलीव बहुत से लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रॉब्लम्स में, लेकिन वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा हुआ है, जिनकी बुनियाद यीशु मसीह है, उनको बेशक इस पेंडेमिक के दौर में, इस कोविड के दौर में जॉब्स लोगों की चली गई, बहुत से मुश्किल हालात में रहे, लेकिन तो भी मैंने ये देखा अपने सर्कल के अंदर कि हमारे लोगों के हाथ देने के लिए नहीं रुके, वो देते रहे, उनके घर के अंदर कमी नहीं आई, बल्कि खुदा ने उन्हें और ज़्यादा ब्लेस किया। और मैंने खुद पर्सनली इस बात का एक्सपीरियंस किया इस क्रिसमस पर भी, अगर सिचुएशन ख़राब है आप मत डरें, मत घबराएं, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, जबूर नवीज ये बड़ी खूबसूरत बात करता है, हम सब इस जबूर को जानते हैं कि खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और जिस तरह से हमने बात की कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो मिलाप का त्यौहार है, हमें इसको जारी रखना है, और कभी भी यीशु मसीह का दामन मत छोड़ें, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, वो आपके साथ खड़ा है, और उसका ये वादा भी है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। बेशक खूबसूरत, और नाज़रीन ये बड़ी खूबसूरत बात की है कि कभी भी यीशु मसीह का दामन ना छोड़ें, ये सिर्फ इस क्रिसमस तक महदूद नहीं रहना चाहिए, ये सेलिब्रेशंस, ये खुशियाँ, ये कैरल्स, ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने का अमल और दुआ करने का अमल और खुदावंद यीशु मसीह का हमारी ज़िंदगी में होना और उसको सेलिब्रेट करना, एक्चुअली ये हर दिन होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए, और ये हमेशा हमारे आखिरी सांस तक चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं चलूँगी आखिर आप की तरफ, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्रिसमस का कोई मैसेज दें। क्रिसमस का पैगाम सब जानते हैं कि मेल मिलाप और मोहब्बत है, क्योंकि यीशु मसीह अमन का शहजादा है, और उसने दुनिया में पीस की बिशारत दी, अमन की बिशारत दी। अब हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम भी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ें, नफ़रतों को मिटाएं, दिलों से हर तरह की कदूरत को निकालें, और दुश्मन तक को भी गले लगाएं, और यही मसीह की आमद का मकसद है कि टूटे हुए रिश्ते फिर से बहाल। ब्यूटीफुल मैसेज। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपने शेफ राहील और आकिल के साथ इस सेगमेंट को बहुत इंजॉय किया होगा, और कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि अभी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा बाकी है। इस सेगमेंट की क्लोजिंग की तरफ जाएंगे वर्शिपर तहमीना के एक कैरल के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैरल बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम एंटर होते हैं अपने आज के सेकेंड सेगमेंट में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज के इस खास शो का नाम है फैमिली क्रिसमस कैरल। फैमिली बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, एक ऐसा यूनिट जिसमें जो मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े होते हैं, जो एक दूसरे को अनकंडीशनल लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। और नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक बहुत ही आइडियल फैमिली से। वो खुदावंद के साथ बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। और खूबसूरती की बात यह है कि ना सिर्फ हेड ऑफ़ द फैमिली बल्कि उनके साथ उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब मिलके खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहते हैं, बहुत खूबसूरत वर्शिपर हैं। और ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगी क्योंकि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो हम उनके साथ करेंगे और हम उनसे ये सारी बातें करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ मिलकर वेलकम करें बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बाबरकत फैमिली, और हम सब मिलके आपके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हैं और आप मेरे साथ मिलके इनको वेलकम करें। तो मिलते हैं जावेद नूर साहब से, उनकी वाइफ हमारे साथ शो पे मौजूद हैं सुजैना जावेद, और उनके बच्चे हमारे साथ। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद और मेरी क्रिसमस। थैंक यू वेरी मच, विश यू द सेम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें मालूम है कि दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और उसके बीच में से आपने हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे नाज़रीन के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए टाइम निकाला, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जावेद साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हम सब बिल्कुल ठीक हैं, खुदा उनका शुक्र है। बहुत गीत सुनते रहते हैं और आप लोगों को अक्सर देखते रहते हैं, और हम खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं आपकी सारी मिनिस्ट्री के लिए। और ये क्रिसमस इस दफ़ा कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है। हम सब एक मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं। तो जावेद साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह आपको लगता है कि ये क्रिसमस थोड़ा सा डिफरेंट है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपकी सारी टीम का, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इज़्ज़त दी, और इस प्रोग्राम में जब हम सेलिब्रेशन की तैयारियाँ कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं, तो इसमें आपने हमें इज़्ज़त दी, ऑनर दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हैं। डिफरेंट चूँकि पिछले एक साल से तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम जिस तरह से फेस कर रहे हैं चैलेंजेस को, और इसमें हर एक जो घराना है, ख़ानदान की हम बात करें, हर एक घराना और घराने को चलाने वाला यानी हेड, वो मुश्किलात में से गुजर रहा है और मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं, लेकिन तो भी हम शुक्र अदा करते हैं खुदा का कि हम इन फेथ खुदावंद में होते हुए इन सारे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और इनका मुकाबला कर रहे हैं। और हमारा ईमान है, हमारी जो हमारा जोश है, हमारी खुशी है, वो वैसी ही है, सेम है। हालात सीखते भी हैं कि हर बात में करो शुक्र, खुदा की मर्जी है। हालात डिफरेंट है लेकिन हम अंदर से उसी तरह से सेम है, खुदा उनका शुक्र है। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। जावेद साहब, आप ही से पूछना चाहूंगी कि हम सुन रहे हैं कि आपने एक नई मिनिस्ट्री स्टार्ट की है स्पेशली यूथ फोकस्ड, तो उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना ये चाहता हूं कि ये ऑलमोस्ट हम पहले से एक कैंपेन कर रहे थे वादा के नाम से। अच्छा। जो हम डिफरेंट फैमिलीज को या हम सपोर्टिंग सेगमेंट में उसको लेते हैं, लेकिन अभी ये जो है ये यूथ टोइंग के नाम से हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। जब जो सिनेरियो इस वक्त दुनिया का चल रहा है या हमारे फैमिली इन्वायरमेंट में जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये यूथ टोइंग के, टो का मतलब है किसी को टो करना, यानी जैसे गाड़ी टो की जाती है और उसको लाया जाता है दूसरी जगह पर, तो इसी तरह से हम यूथ के साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और यूथ के लिए ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें, वो इसमें आएँ, क्योंकि डिफरेंट ऐसे सेगमेंट्स हैं या हमारे सेशंस हैं जो यूथ को हर लेवल पर उनको हेल्प करेंगे उनको ग्रो करने में। उसमें एजुकेशन है, उसमें स्किल्स के ऊपर हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात करते हैं, फिर हम जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चार घंटे का हमारा
सेशन होता है और ये डिफरेंट चर्चेज को हम इसमें लेके जा रहे हैं उसमें, और चर्चेज के यूथ के साथ हम इसको प्लान कर रहे हैं। जबरदस्त, बड़ा मैं अप्रिशिएट करूंगी आपके सारे आइडिया को, क्योंकि जब हम एक चीज पे और एक ही वेन्यू पे फोकस करके कोई काम करते हैं तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होती है। तो वो जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप उनकी स्किल्स पे भी काम करेंगे, एजुकेशन पे भी काम करेंगे, और सबसे बढ़कर ये कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी ख्याल रखेंगे, तो डेफिनेटली यही यूथ हमारा फ्यूचर है, हमारे चर्च का फ्यूचर है, हमारी कम्युनिटी का फ्यूचर है, हमारी नेशन का फ्यूचर है। तो डेफिनेटली ये है कि इसी बात की मेरा ख्याल है कि हमें ज़रूरत भी है। तो नाज़रीन, हम ज़्यादा सीरियस सीरियस बातें नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रिसमस शो है और हम आपके पास आए हैं स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम में, और स्पेशली उस वक्त जब शायद क्रिसमस की जिस तरह से हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा से सेलिब्रेट करते रहे हैं कि कैरल पार्टीज़ निकलती थी, डिनर्स होते थे, मिडनाइट मास हो रही है तो हमारी मेन मासेज हो रही हैं, लोग एक दूसरे के घर में तहाइफ लेके जाया करते थे, तो शायद उस तरह से नहीं हो रहा। तो हम इस प्रोग्राम की वसातत से कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी पहुंचाई जाए। चूँकि हमने जावेद साहब को और उनकी अहलिया को और उनकी फैमिली को कहा कि हमारे लिए एक आइडियल फैमिली है, तो इसी प्रोग्राम में हम ये भी चेक करेंगे कि इस आइडियल फैमिली की, इस आइडियल कपल की आपस में एक दूसरे के साथ कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तो एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें हम कुछ सवालात करेंगे सुजैन जावेद से, जावेद भाई के बारे में, और देखेंगे कि इन दोनों की आपस में कितनी कंपैटिबिलिटी है। आप रेडी हैं? जी रेडी। तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगी कि वो जावेद साहब को किसी सेफ जगह पे लेके जाएं जहां इनके कानों तक आवाज ना पहुंचे। जी सुजैन जी, आपसे सवालात हम बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं पहुंचेंगे, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं। नहीं, आप पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, नहीं हम आसान ही पूछेंगे। और आप हमें ये बताइए कि जावेद भाई की फेवरेट डिश क्या है? उनको सबसे ज़्यादा बीफ पुलाव पसंद है। अच्छा, बड़े शौक से खाते हैं, फरमाइश करते हैं कि वो बनाई जाए। अच्छा, अगर बिरयानी बनाई जाए और पुलाव, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो वो ये भी हो सकता है बिरयानी खा लें? नहीं, बीफ ही, बीफ का पुलाव। ओके नाज़रीन, नोट कर लें बीफ का पुलाव। हाँ जी, अगला सवाल। जी जी, अगला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि जावेद भाई का फेवरेट कैरल कौन से? हाँ जी, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते थे, कर कर मंगलाचार। तो साहब को चूँकि पुरानी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनको ट्रेडिशन बहुत पसंद है, तो कैरल में भी मेरे ख्याल से उनको ये सबसे ज़्यादा पसंद है ये गीत। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमने ये भी नोट कर लिया, और अगर तो ये मैचिंग ठीक रही तो फिर जावेद भाई जब वापस आते हैं तो हम फैमिली से ये गीत सुनेंगे भी। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं तो घरों को सजाने का हमारा एक बड़ा फोकस्ड एरिया होता है, हम ट्री सजाते हैं, हम स्टार्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जब आप घर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करते हैं तो जावेद भाई को कौन सी चीज़ डेकोरेट करना सबसे ज़्यादा पसंद है? अच्छा, ऐसा है कि कुछ साल पहले जब तक हम खिदमत में नहीं थे तो क्रिसमस ट्री सजाना जो है वो उनको अच्छा लगता था, लेकिन जब से हम खिदमत में आए हैं और हमने बिब्लिकली चेक किया है कि ये हमारी कोई बिब्लिकल ट्रेडिशन नहीं है, तो अभी उनको इतना ज़्यादा शौक़ नहीं रहा, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि जैसा आप चाहते हैं आप सेलिब्रेट। अच्छा चलिए, क्रिसमस ट्री तो उनको डेकोरेट मतलब उस पर फोकस नहीं है उनका, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको वो पसंद करते हैं, पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन जो उनकी फेवरेट है? उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे खुश हों, उनकी अच्छे से अच्छी शॉपिंग हो और उनको आउटिंग करवाई जाए, अच्छे से अच्छे खाने खिलाए जाएं, बस बच्चे खुश तो पापा खुश। ज़बरदस्त। अच्छा, अब अगला सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि डेफिनेटली उनको गुस्सा भी चढ़ता होगा? हाँ जी, उनको तो गुस्सा, किस तरह से गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं? गुस्सा उनको बहुत आता है, लेकिन गुस्से को जब्त करना और गुस्से को दूसरों के सामने जाहिर ना करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। तो इन शॉर्ट ये कि वो खामोश हो जाते हैं जब गुस्सा होता है, तो बस चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनसे क्लासेस लें। हाँ, ज़रूर ज़रूर सीखें। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल। जी जी, ये बताइएगा कि जावेद भाई की अपने इन लॉज में किससे सबसे ज़्यादा बनती है या किसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वो मेरी माँ को, अपनी सासू माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है और यही हमारे रिश्तों की खूबसूरती भी होती है। तो इसी के साथ नाज़रीन,
हम जावेद भाई को वापस अपने सेट पे लेके आते हैं और उन्हीं उनसे यही सवाल आप पूछेंगे और देखेंगे कि वाइफ एंड हस्बैंड में कितनी कंपैटिबिलिटी है। नाज़रीन, जावेद भाई आ गए हैं वापस और यही सवालात अब हम इनसे पूछेंगे और देखते हैं कि जवाबात क्या रहते हैं। जावेद भाई, पहला सवाल ये है कि आपकी फेवरेट डिश स्पेशली क्रिसमस पे जब शौक से कह के बनवाते हैं वो कौन सी है? वैसे तो मैं सब कुछ ही खाता हूँ जो भी ये बना दें। बच्चों के लिए ज़्यादा होता है कि ये इनको क्या पसंद है, तो अगर पुलाव बन जाए तो वो ज़रा अच्छा लगता है। पुलाव किस चीज़ का? मटन, चिकन, बीफ? नहीं, वो हम जरा पंजाबी लोग हैं, ज्यादा बीफ ज्यादा पसंद है। पहला सवाल दुरुस्त हुआ। सवाल ठीक हो। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जावेद भाई, आप बताएं कि आपका फेवरेट कैरल कौन सा है? हाँ जी, वो बचपन से वही गांव में हम जो गाते थे, कर कर मंगला चार, आज दिन खुशियां दा। जबरदस्त। नाज़रीन, इसके साथ दूसरा सवाल भी दुरुस्त रहा। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। जावेद भाई, आप ये बताइएगा कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है? क्रिसमस को सेलिब्रेट या घर को सजाने में आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से आप सजाते हैं या आपको करना पसंद है? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये हमें सीखना भी चाहिए इन चीज़ों को। खुशी, एक्चुअली ये खुशी तो हमारे अंदर है, दिल की खुशी है ये। सही। ये दिखाने से या उससे नहीं, मेरा फोकस ये होता है कि बच्चों के साथ ज़रा अच्छा वक्त गुजरे, और फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरे, आउटिंग पे चले जाएं। घर के अंदर इतनी डेकोरेशन वगैरह मुझे नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डेकोर करें। हाँ, साफ़ सुथरा होना चाहिए घर, अच्छा लगना चाहिए, तो यही है। चलिए, जबरदस्त जी, ये जवाब भी हमारा दुरुस्त रहा। वेरी गुड, आपकी बेगम ने एग्जैक्टली यही कहा था। जब आपको बहुत, अगला सवाल, जब आपको बहुत गुस्सा चढ़ता है तो आप गुस्से को किस तरह एक्सप्रेस करते हैं? एक्चुअली गुस्सा तो हर शख्स को आता है, कोई अगर ये कहे नेचुरल इमोशन है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, हर किसी को आता है गुस्सा तो ऐसी, लेकिन ये है कि उसको एक्सप्रेस करने का एक अपना अपना तरीका होता है। बहुत जल्दी कुछ लोग बोलना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर ना बोला जाए तो मेरा ख्याल है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और मैंने ये सीखा है, मैंने इसको एक्सरसाइज करके सीखा है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप कुछ एक्सरसाइजेस हैं मेरे पास, जो मैं अब तो नहीं बता रहा मैं नहीं, सेशन लेकिन, नहीं के बाद लेकिन ये है कि वो हम कर मैं करता हूँ, तो उससे ये कि वो खामोशी में गुस्सा निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, एक्चुअली हमने उसको निकालना होता है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बेगम ने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था। नाज़रीन, अभी तक तो जो कपल है उनका स्कोर 100% चल रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइएगा कि आपको अपने इन लॉज में से कौन सबसे ज्यादा पसंद है? ये इमोशनल सवाल है। आप ये जवाब सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि सब ससुराल वाले भी देख रहे होंगे। नहीं, मुझे सारे ही अच्छे हैं, लेकिन अम्मा कहता हूँ मैं उन्हें, और उनसे मेरा बचपन से ही, क्योंकि हम इनकी वालदा, हाँ जी जी, हम उन्हें बचपन से, यानी हम तीसरी क्लास से एक साथ ही हम पढ़े हुए हैं, तो इसलिए अम्मा को मैं बचपन से ही जानता हूँ, तो इसलिए उन्हीं से ज्यादा मेरा। अम्मा हमारी समझे सेम ही है। जबरदस्त जबरदस्त। इस ये सवाल उस पिछले, नाज़रीन पहले इसकी क्लोजिंग करें और आप मेरे साथ मिलके तालियां बजा दें जरा, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस जावेद नूर ने 100% स्कोर किया है कंपैटिबिलिटी टेस्ट में, और हमें खुशी है कि अगर हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया आइडियल कपल के लिए तो आपने 100% से भी ज्यादा स्कोर किया है, और खुदावंद आप में इसी तरह मोहब्बत को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, और आप इसी तरह एक मिसाली खानदान के तौर पे ही हम सबके साथ रहे, खुदावंद आपको और बरकत दे। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसी से लिंक्ड एक और मेरे जहन में बात आई, इसलिए पूछना चाहूंगी कि जब खुदावंद ने आपको जोड़ा तो ये जो प्लानिंग थी ये लव मैरिज थी या अरेंज्ड मैरिज थी? ये खुदावंद ने ही जोड़ा है, और खुदावंद में ही हमें लव मैरिज ही हमारी हुई है। अच्छा, लव प्लस अरेंज मैरिज। अच्छा, जबरदस्त। लव प्लस है। तो कैसे प्रपोज किया इन्होंने? उन्होंने बताया कि तीसरी क्लास से तो साथ है। इनको तो नहीं पता, लेकिन मैंने खुदावंद से ये दुआ की थी,
कि खुदावंद काश के मैं किसी तरह इस फैमिली का हिस्सा बनूं, क्योंकि इनकी छोटी बहन जो है वो मुझे बहुत करीब थी मेरे, और चूंकि इनकी वालदा मोहतरमा जो है वो खुदावंद में सो चुकी थी, तो एक हमदर्दी का जज्बा मेरे अंदर था। और मैंने बचपने में एक दुआ की कि काश मैं इस बच्ची को माँ का प्यार दे सकूँ, जबकि मैं खुद तीसरी चौथी क्लास में थी। तो मुझे नहीं पता कि 15 साल के बाद खुदा ने वो दुआ सुन ली, और जब ये मेरे सामने आए हैं और हमें पता ही नहीं चला, जब हमने एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाया तो वो प्रपोज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अंडरस्टूड था। मुझसे पहले मेरे भाइयों ने डिसाइड कर लिया था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। जबरदस्त, ये होते हैं खुदा तो खुदा शुक्र है कि इस तरह से खुदा ने ये। तो जावेद भाई और सुजैना आप, और चूंकि बच्चे भी सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अभी जो मेंशन किया गया था कि जावेद भाई का फेवरेट कैरल है, वो आप, क्योंकि हमारे शो का नाम है फैमिली क्रिसमस कैरल, तो फैमिली भी और कैरल दोनों इकट्ठे साथ चलने चाहिए, तो आप हमें अपना फेवरेट कैरल सुनाएं और हमारे नाज़रीन भी उसको जरूर सुनना चाहेंगे। यस, एक अंतरा करते हैं। हाँ जी, जरूर। कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा, कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा। अज शाफी दुनिया ते आया, 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 वस पया संसार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा, कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा। डावा डोल सी बेड़ी जेड़ी, डावा डोल सी बेड़ी जेड़ी, डावा डोल सी बेड़ी जेड़ी, देवेगा हुन तार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा, कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा, कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा, खुशियां दा, कर कर मंगला चार अज दिन खुशियां दा। क्या बात है, क्या बात है, मैरी क्रिसमस। और मैं इतना एडमायर कर रही थी आप लोगों के एक्सप्रेशन, इतनी खूबसूरती से आप इतना वो एक एनर्जी लेके आ गए हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम बच्चों की तरफ, और हम शुरू करेंगे पहले आपसे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम स्टेफी जावेद है। और आप क्या करती हैं? मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मॉम डैड के साथ मिनिस्ट्री भी कर रही हूँ। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं अपने सेट पे मौजूद एक नौजवान की तरफ। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? स्टीवन जावेद। और आपको पता है मैं बड़ा एडमायर करी थी आपको गिटार बजाते देख। थैंक यू। क्या जबरदस्त आपने गिटार बजाई है, आपने ये सीखी है? जी। और आप बजाते रहते बाबा के साथ, मामा के साथ? जी बजाता हूँ। तो उसके बारे में आप हमें बताएं कि कहाँ कहाँ बजाई आप? मैंने बरकत टीवी में बजाई है उनके प्रोग्राम पे, और पापा के साथ गजल में। जबरदस्त। और इसी के साथ चलते हैं हम छोटे बेबी की तरफ। छोटा बेबी काफी देर से चुप है, आप हमें ये बताएं कि आपको क्रिसमस किस तरह से सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है? मुझे क्रिसमस ट्री बहुत डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, और क्रिसमस पे मुझे बेकिंग का शौक है, तो मुझे केक्स वगैरह बनाने का अच्छा लगता है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना और शॉपिंग वगैरह करना अच्छा लगता है। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप ट्री डेकोरेट करी होती हैं तो कभी इन दोनों से कोई लड़ाई हुई है, तंग करते? तंग तो नहीं, लेकिन सब साथ मिलकर ही करते हैं। वाओ, दैट्स लवली। वैसे ये कहानी घर घर की होती है कि बच्चे आपस में अक्सर एक की चोंच और एक की दुम हो रहा होता है, लेकिन हमें खुशी है कि साशा ने हमें ये बताया कि ये तीनों बहन भाई मिलके सारी तैयारियां करते हैं और सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनते हैं। प्रेज़ गॉड। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, और जावेद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमने अभी रिसेंटली सुना था कि आपने कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट किया जेडी फूड के नाम से, तो वो क्या बिजनेस है और उसके बारे में आप हमें बताएं। हाँ जी, थैंक यू। और नाज़रीन, ये कुछ पैकेट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपने इसको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। बेसिकली इस सिचुएशन में जब ये हालात ऐसे हुए हैं कि बिजनेसेस ख़राब हुए हैं, जॉब्स नहीं हैं, और ये बड़े मसाइल हुए, तो हमने भी कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। तो उसी बीच खुदावंद ने आइडिया दिया कि हम कोई ऐसा ऐसी प्रोडक्ट बनाएं या ऐसा काम करें जो ना सिर्फ हम करें बल्कि
बहुत सारे उसमें शामिल हो सके, नौजवान उसमें शामिल, खानदान शामिल हो सके, ना सिर्फ हमारी फैमिली का फायदा हो बल्कि बहुत सारी फैमिलीज को फायदा पहुंचे। तो फिर हमें, हमने दुआ की, खुदावंद ने फिर हमें आइडिया दिया कि हम, फिर हमने ये नाम सोचा। मेरे ताया जी मुझे बचपन में कहते थे जेदी, असल में ये था इसके पीछे बैकग्राउंड। तो फिर वो वैसे भी वो जे और डी मेरे नाम के दो स्पेलिंग हैं, तो फिर इस तरह से शुरू जे से एंड डी पे। जी जी ठीक। तो इस तरह से हमने इसको, इस नाम को फाइनलाइज किया और फिर हमने सोचा कि हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे फूड से रिलेटेड। तो ये हमारा अभी पहला सेगमेंट है जिसमें हम मसाले बना रहे हैं जो आपके घरों में पहुँचेंगे। आप रेसिपीज के साथ आप अपनी खानों को बेहतर तौर पर आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये एक विजन है इसके पीछे कि हम यूथ को प्रमोट करें, यूथ को हम मोटिवेट करें कि वो अपना बिजनेस इसी तरह की, अगर हम कर सकते हैं तो पाकिस्तान के अंदर दूसरे लोग भी कर सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि लोगों के घरों में जाए और आपकी आपकी रूट्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। तो इसके पीछे यही आइडिया है कि हम इस मुल्क में तरक्की करें, इस मुल्क को हम सपोर्ट करें, अपने रेवेन्यूज जनरेट करें और इससे हम अपने मुल्क की भी मदद करें और अपने लोगों की भी मदद करें और इसमें लोगों को जॉब्स के बहुत सारे मौके मिलें। तो ये इसके पीछे बेसिकली। नाज़रीन, एक बहुत ही खूबसूरत सोच यहाँ पे शेयर की गई है और शायद आपको अजीब भी लगे कि क्रिसमस के प्रोग्राम में हम इन बातों पे बात क्यों कर रहे हैं। ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कम्युनिटी हम सब लोगों से मिलके बनती है। जब हम कम्युनिटी की बेटरमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो हम सबको एक दूसरे का साथ देना, हमें अगर ये पता है कि जावेद भाई ने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमारा हिस्सा ये बनता है कि हम अपने तौर पे जितना मैक्सिमम हो उसको सपोर्ट करें और इस काम को बढ़ाएं और इसको मल्टीप्लाई करें। तो आपको हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी बहुत सी दुआएं आपके साथ। और अब वापस हम बच्चों की तरफ चलते हैं और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, आप बोलें सारे मिलके, फैमिली क्रिसमस कैरल। फैमिली क्रिसमस कैरल। तो अब हम सुनेंगे बच्चों से एक कैरल। वाओ जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को थैंक्स करना चाहूँगी, आपने हमें इनवाइट किया और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस कैरल को गाएं। जरूर। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है ये, फिरदौस की राह खुल गई, फिरदौस की राह खुल गई, जाहिर जबरदस्त।
दिस इज कॉल्ड अ टैलेंटेड फैमिली, ब्लेस्ड एंड टैलेंटेड फैमिली. बेशक हम जो सदियों से भटके हुए थे, उसने खुद आके हमारा खुदा बाप से ऐसा मिलाप करवा दिया कि हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बना दिया. और यही हमारी सारी सेलिब्रेशन है और यही सारा क्रिसमस का थीम है, जहाँ हम अपने घरों को सजाते हैं और ये रोशनियाँ इतनी सारी अपने घरों में लेके आते हैं. तो हमारी दुआ है कि ये सिर्फ क्रिसमस के सेलिब्रेशन तक या इस टाइम तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि खुदावंद की ये जो रोशनी है ये हमारे दिलों में हमेशा रहे और हमारी राहों को मुनव्वर करती रहे, ताकि वो अबदी ज़िंदगी जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है हम सब उसको हासिल कर सकें. तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं और एक आखिरी सवाल मैं सुजैना आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये हम फैमिली थीम पे बात कर रहे हैं, हम कैरल्स पे बात कर रहे हैं, हम सेलिब्रेशंस पे बात कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि जो फैमिली है वो एक हमारा ऐसा बेसिक यूनिट है जो सबको जोड़ता है. लेकिन वक्त की तेज़ियों में, हालात की वजह से, फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से, मियाँ भी काम कर रहा, बीवी भी काम कर रही है, तो वो बैलेंस कहीं कम हो रहा है, कहीं पे फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से हमने देखा है कि घरों में बड़े मसले मसाइल हैं, कई जगहों पे तरबियत की कमी की वजह से हमने मसाइल देखे हैं, कई जगहों पे हमने खुदावन से दूरी की वजह से मसाइल देखे हैं. तो वही बेसिक और खूबसूरत यूनिट जो फैमिली का होता है, जो हमें स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट देता है, हमें हमारे हमारी केयर के लिए जो खुदावन ने लोग हमारे आसपास रखे हैं, हम उनमें अनरेस्ट देखते हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं. तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक खूबसूरत फैमिली है जिसको हम इकट्ठा बढ़ते देख रहे हैं, काम करते देख रहे हैं, खिदमत में देख रहे हैं. तो क्या आप कहना चाहेंगी उन मसाइल को लेकर और उनके हल के बारे में? जी, जैसा कि हमने बारह बार इस बात का तज़किरा किया है कि फैमिली जो है वो किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई है, बुनियादी बेसिक यूनिट है. और फैमिली में जब तक खुदा, जिसने खुद ख़ानदान बनाया, वो मौजूद ना हो, तो फिर कभी भी वहाँ पर आप तरक्की, खुशहाली, शादमानी या इत्मीनान नहीं देख सकते. जिन घरों में इस तरह के मसाइल हैं, परेशानी हैं, उनका सबब ये है कि खुदा वहाँ नहीं है. बिल्कुल, खुदा की हुजूरी वहाँ पर नहीं है. बिल्कुल, जब बागे अदन में बुजुर्ग आदम और बुजुर्ग हवा खुदावंद के साथ मुत्तफिक थे, मुत्तहिद थे, तो खुदावंद की हुजूरी वहां पर मौजूद होती थी. खुदा खुद आकर उनसे हम कलाम हुआ करता था. लेकिन गुनाह के बायस जब खानदान बिखर गया, जब खानदान देखे ना, सिर्फ वो मियां भी बल्कि खुदा भी मौजूद था, तो जब खुदा का उनसे रिलेशनशिप खत्म हुआ, उनको अदन से बाहर निकाला गया, तो फिर आप देखते हैं कि इंसान तब से, अभी हमने गाया भी कि हम बिखरे हैं, बिछड़े हुए हैं, दूर हैं. तो जिन घरों में, मैं समझती हूँ, अदन जैसी सिचुएशन नहीं, जो घर अदन जैसा नहीं है, वहाँ पर बेबरकती और मसाइल, लड़ाई, झगड़े और दिगर परेशानियाँ हैं. सो ये एक अच्छा मौका है कि अगर खानदानों में कहीं बिगाड़ है, लड़ाई झगड़ा है, तो क्रिसमस एक ऐसा सीजन होता है जिसमें हम एक दूसरे को मुआफ़ करके, एक दूसरे को कबूल करके, एक दूसरे को गले लगा कर उन सारे मसाइल से निकल सकते हैं. और इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ में भी ठहरें. जब हम दूसरों के लिए शिफायत करते हैं तो मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं. मेरी दुआ है कि जिन खानदानों, घरानों में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है और वो आपस में जुदा हो चुके हैं, ये टूटे फूटे हैं, खुदावंत का रूह उन सबको छुए और उन घरानों को सलामती और अमन अता करे, क्योंकि सलामती का शहजादा हमारे दरमियान आया है और हम उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं. खुदावंत आप सबको बड़ी बात कर दे. बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने. बेशक इसी बात की हम सबको जरूरत है. नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के आज के इस क्रिसमस शो के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं. याद रखें कि क्रिसमस सेलिब्रेशन है जॉय एंड पीस का, और ये वक्त है जब हमने सिर्फ जाहिरी सेलिब्रेशन पे और फन पे ही गौर नहीं करना, बल्कि अपने और अपने खुदावंद के इस रिश्ते को मजबूत करने के बारे में भी सोचना है. और प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाते हुए आपको ये बताना चाहूँगी कि जेडी फूड्स की तरफ से हमारे सारे जो आज के गेस्ट हैं, उनके लिए स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स आए हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं. और क्रिसमस का मौका है, क्रिसमस का शो है, और हमने कैरल्स गाए, हमने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, और क्रिसमस की सेलिब्रेशन पूरी होती है केक को काट के. तो नाज़रीन, इस वक्त हम आपके साथ मिलके और इस खूबसूरत सी फैमिली के साथ मिलके और अपने प्रीवियस सेगमेंट के गेस्ट के साथ मिलके
केक काटेंगे और उसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको मेरी टीम की तरफ से हमारे सारे गेस्ट की जानिब से मैरी क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुदावंद करे कि आने वाला साल हमारे लिए सेहत, जिंदगी और उम्मीद का साल रहे। आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें। मेरी क्रिसमस वो बन आया बशर का हर दिलों को दिलों की चरनियां सारे सजाओ फिजाओ तुम खुशी के गीत गाओ बड़ा दिन आ गया खुशियां खुशी के गीत गाओ बड़ा दिन आ गया खुशियाँ गाओ तुम खुशी के गीत गाओ गाओ तुम खुशी के गीत गाओ बड़ा दिन आ